हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रना सुल्तान एंड आई वेलकम यू ऑल टू ई न्यूज। सबसे पहले चेक करते हैं आज की हेडलाइंस। जोश बैंड ने अपनी मोस्ट अवेटेड म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दी, जबकि आरिफ लोहार की एज अ प्लेबैक सिंगर फिल्म डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई से बॉलीवुड में एंट्री। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द डिटेल्स। मॉन्ट्रियल बेस्ड इंडियन पाकिस्तानी फ्यूजन बैंड जोश की म्यूजिक वीडियो ये जमीन गा रही है का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस सॉन्ग के थ्रू जोश बैंड ने लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर आर डी बर्मन को ट्रिब्यूट दिया है और अब फाइनली ये म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गई है। जोश बैंड ने सॉन्ग ये जमीन गा रही है से ना सिर्फ आर डी बर्मन को ट्रिब्यूट दिया है, बल्कि सॉन्ग की वीडियो में लाहौर को दिल्ली की लुक दी है। जबकि इस वीडियो को टैलेंटेड डुओ माराम और आबरू ने शूट किया, जो इससे पहले फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं। वीडियो में यूज हुआ वार्डरोब फैशन इंडस्ट्री के दो जाने माने डिजाइनर्स फाहद हुसैन और मुनीब नवाज का है। वेल, अगर ये कहा जाए कि जोश बैंड की ये लेटेस्ट रिलीज फैंस के लिए एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो है तो गलत ना होगा। चलते हैं पाकिस्तान के रेनाउंड सिंगर आरिफ लोहार की जानिब, जिन्होंने अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई से एज अ प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में फर्स्ट सॉन्ग गाया है, जो है उनका मशहूर सॉन्ग जुगनी। अनिल डालमिया और राकेश सभरवाल की प्रोड्यूस्ड और विनोद मुखी की डायरेक्शन में बनी फिल्म डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई 2 मार्च को रिलीज हो रही है, जिसमें उदिता गोस्वामी लीड रोल प्ले कर रही हैं, जो इससे पहले बॉलीवुड फिल्म पाप, जहर और अक्सर में भी काम कर चुकी हैं। वेल, आरिफ लोहार के सॉन्ग को इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। That's all for now. But for more entertainment updates, stay tuned to E News. Well, अब आप A Plus की official website www.a-plus.tv पे live web TV के through भी E News देख सकते हैं। इसी के साथ अपनी host रना सुल्तान को दें इजाजत। Take care and Allah Hafiz.